नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने स्वच्छता के लिए कई वादे किए थे, लेकिन क्या वादे वो कायम हुए? आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी हकीकत। ताजा मामला मथुरा के गोवर्धन के अडिग क्षेत्र का है, जब भाजपा समर्थक ने रो रो कर अपनी एक आपबीती सुनाई। उसने बताया कि उसके परिवार के लोग कीचड़ और गंदगी के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप आ रहे हो कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने घर से आ रहा हूँ। तो आपका घर बना हुआ है? घर बना हुआ है। तो क्या समस्या बता रहे थे अभी रस्ते को लेकर, क्या स्थिति है? हम 5-7 घर में बने हुए हैं। कब से रह रहे हो अम्मा? माम ने कई साल बीत गई। मैं इस पार्टी का विशेष कार्यकर्ता हूँ। आज मैं विशेष तो किया क्या कह रहा हूँ, पार्टी से अलग हो जाऊंगा। कौन सी पार्टी से? बीजेपी की से। मैं इतना तो क्यों, मेरे घर पर लड़के की शादी थी आज 4-3 दिन से। मैं क्या क्या भोजन पहुँचाऊँ उसमें के? वे अभी तलाक, बच्चे सारे रिश्तेदार मेरे में बंदी जेल जैसे पड़े हुए हैं। गर्मी क्या थे? गर्मी क्या थे, निकल नहीं पा रहे रस्ते की वजह से। इस रस्ते की वजह से कोई भी नहीं। कब से स्थिति हो इस रस्ते की? कब से रास्ता खराब है ऐसे इस तरीके से? कई बार से ऐसी स्थिति होती है। इसको लेकर आपने अपने क्षेत्र बताया या किसी को बोला नहीं? विधायक सीधे कई बार बोला है मैंने। विधायक जी कहते हैं इस रास्ता को ना ही उसको बनवा देंगे, ये करवा देंगे। कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी रास्ता विधायक निधि से ये मानतरक जुड़ जाए। ये करीब ज्यादा नहीं है, ये करीब 300 मीटर की बैठ पाएगी। तो आप इस भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता भी है? मैं भाजपा पार्टी का इतना विशेष कार्यकर्ता हूँ कि मेरी गर्दन कट जाए मैं लग नहीं होता हूँ। और अभी तलक इसी पार्टी के ही कारण ही छिप में राज रखा था। मुझे कोई भी दुख नहीं है, मुझको यही दुख हुआ है कि आज मेरे रिश्तेदार अभी तलक एक कैद हो रहे हैं। मैं उनको शौचालय बता देते हैं, शौचालय करने वालों की लाइन लगी रहती है, बता देते क्या शौचालय करने वालों की? या मोहल्ला में सभी लोग आते, किसी से कहता हूँ तो इस प्रकार बोलते कि हम किस जगह जाएं। तो क्या उनके घर में शौचालय बने नहीं अभी तक? बने हैं, कुछ लोगों ने पैसे ले लिए अपने खा गए, कुछ लोग ऐसे कि वो आम रास्ता में भाई यही इसी में बैठना चाहते। तो यहाँ शौचालय भी रास्ते में करते हैं लोग? रास्ते में ही करते हैं।